एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का हम वो वाला पार्ट कवर अप करेंगे जिसमें हमें क्या नाम है पता चलता है कि हम एज आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं बोन के थ्रू। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जेंडर आइडेंटिफिकेशन, और हम स्पीसीज कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज है, ये ओरिजिन है, ह्यूमन का है, एनिमल का है। उसके साथ साथ हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। तो आप इसमें पूरा बेसिक से लेके एडवांस जितना हमारा फोरेंसिक में आता है ना, बेसिक टू एडवांस हम सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप करके चलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी की जब भी बात आती है तो एंथ्रोपोलॉजी किसने दिया था, ये जो टर्म सबसे पहले दी थी जॉन फेडरिक ने। ठीक है, जॉन फेडरिक, और उसके बाद आज के टाइम पे अगर हम बोलते हैं कि मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी के फादर कौन है, ये एंथ्रोपोलॉजी के फादर है जॉन फेडरिक हो गए। ठीक है, मतलब ये टर्म इन्होंने दी थी, और हम मॉडर्न फादर के मतलब फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो ये टर्म हमें किसने दी थी, ये टर्म हमें दी थी फ्रांस बोजस ने। ठीक है, फ्रांस बोजस ने ये हमें मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी के टर्म इन्होंने दी थी। अब एंथ्रोपोलॉजी की बात आते हैं तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए जो जली हुई बॉडी होती है, जो जल जाती है, पूरी बॉडी जल जाती है। ठीक है, तो मतलब कितने साल तक की उम्र की बॉडी अगर जल जाएगी हम उसका डीएनए बोन मैरो से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो 10-12 साल का बच्चा होगा ना उसकी बॉडी अगर बर्न हो जाएगी, 10-12 साल की उम्र, सिर्फ 10-12, इससे ज़्यादा अपर के में आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो 10-12 साल की बॉडी बर्न होगी तो उसमें से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, डीएनए एक्सट्रैक्ट ईजिली कर सकते हो बोन मैरो के थ्रू, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है ऐसे होती है। ठीक है, अब हमारी एंथ्रोपोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी में जो हमारे बोन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, बेसिक से एडवांस, क्योंकि सबको याद नहीं कि आपने कब क्या पढ़ा था। तो हमारी जब एंथ्रोपोलॉजी डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारी बोन्स जो डिवाइडेड होती है, टोटल आपको पता है, सबको ही पता है, टोटल हमारे 206 बोन्स होती हैं। ठीक है, वो जो डिवाइडेड होती है अपेंडिकुलर में होती है और एक्सियल स्केलेटन में। अपेंडिकुलर में हमारी हैंड्स, लेग और क्या नाम है, ये हमारे पेल्विक बोन्स आ जाते हैं। उसके साथ जो हमारी एक्सियल स्केलेटन की बात आती है, यहाँ पे हमारी बात करते हैं स्कल की, चेस्ट की, और जो हमारे रिब्स वगैरह होती है, ये सारी बोन यहाँ पे काउंट हो जाती है। ठीक है, अब जो अपेंडिकुलर होता है यहाँ पे हमारी कितनी बोन्स होती है, यहाँ पे हमारी टोटल 126 बोन्स होती है, और जो एक्सियल स्केलेटन होता है यहाँ पे हमारी 80 बोन्स होती है। ठीक है, अब ये कैसे डिवाइडेड होती है, 80 बोन जो डिवाइडेड होती है ना, इसमें जो स्कल का पार्ट होता है, ठीक है, सिर्फ स्कल के अंदर हमारी 22 बोन देखी जाती है। अब 22 में से जो क्रैनियल जो हमारे ऊपर के पार्ट में आपको देखने को मिलती है वहाँ पे आपको 8 बोन देखने को मिलती है, और आप फेशियल की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 14 बोन देखने को मिलती है। ठीक है, अब नीचे की बात आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी कितनी बोन्स होती है, टोटल 22 में से हमने इतनी डिवाइड कर ली ना, अब हमारी एक्सियल में जो 80 बोन होती है हमारी, 58 बोन्स हमारी यहाँ पे होती है, जितनी रिब्स वगैरह को अगर हम काउंट करते हैं वो टोटल हमारी 58 बोन्स हो जाती है, उसको भी हम फर्दर डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो अपेंडिक्स की बात आती है, यहाँ पे जो 126 बोन्स हैं ये हमारी कैसे डिवाइड होती है, 4 तो हमारी पिक्टोरियल ग्रिडल हो गई। ठीक है, 4 तो हमारी पिक्टोरियल ग्रिडल होती है। उसके बाद जो पेल्विक है वो आपको पता है 2 हमारी पेल्विक बोन में आ जाते हैं, पेल्विक ग्रिडल जिसे बोल देते हैं हम। 7 आपको हिंड लिम्स में देखने को मिल जाते हैं, हाथ के अंदर 60, और आपको 60 ही आपको नीचे जो हमारा होता है ना, मतलब 60 तो आपको हिंड लिम में देखने को मिल जाते हैं, 60 आपको फोर लिम में देखने को मिल जाते हैं। तो जो हमारा बोन का डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे है। अब हमें इसके अंदर क्या पता होना चाहिए, जो हमारा एज आइडेंटिफिकेशन जो हम करते हैं कि वो एज आइडेंटिफिकेशन हमारी कौन कौन सी बोन से होता है। ठीक है, एज आइडेंटिफिकेशन की जो हमारी बात आती है तो वो हमारा होता है सबसे पहले लॉन्ग बोन से। ठीक है, लॉन्ग बोन से हमारा एज आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी आ जाती है हेड, हेड से भी हम एज बता सकते हैं, हमें मतलब इससे पता चल जाएगा कि कितने टाइम पे कौन से सूचर वो कंबाइन हो गया है, सूचर के बेसिस पे हम इसमें बता सकते हैं जो क्रैनियल सूचर होते हैं। तीसरा हमारा ब्रिस्ट बोन के उससे, ठीक है, बेसिकली इसमें ब्रिस्ट लिया जाता है, उसके बाद जो हमारे पैर के होते हैं टार्सल्स होते हैं वो भी इसके अंदर काउंट होते हैं। तो एज आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारी ये तीनों होती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो जेंडर आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे फोरेंसिकली, जेंडर अगर कोई आपको बोन वगैरह क्राइम सीन पे मिली है तो उसका जेंडर कैसे बताओगे। तो जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहते हैं ना, अगर स्कल और हमारा पेल्विक बोन दोनों मिलती है तो 99% चांसेस है कि जो हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो हम प्रॉपर करेंगे। पर जो जेंडर का हम करते हैं, एक तो स्कल के थ्रू कर लेते हैं,
ठीक है, कि ये मेल का है फीमेल का, इसके थ्रू है हम बता देते हैं। पेल्विक बोन के थ्रू भी हम ये बता देते हैं। तीसरा हम लॉन्ग बोन के थ्रू, और चौथा हमारा होता है जो मैंडिबल, मैंडिबल जो आपका जबड़ा होता है उसके थ्रू। ये जो चार बोन है इन चारों बोन के थ्रू आप बता सकते हो, जेंडर आइडेंटिफिकेशन ईजिली कर सकते हो, ठीक है। और जो हम स्पीसीज का ओरिजिन बताते हैं, वो क्या ये ह्यूमन के या एनिमल के है, तो ह्यूमंस की जो बोन होती है ना वो स्पंजी टाइप की होती है, और जो एनिमल की होती है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले जो हमारा एज की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें हमारा स्ट्रेचर भी काम आता है, स्ट्रेचर से हम हाइट बता सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के हमें पैर पैर की हड्डी मिले तो उससे हम कितनी हाइट है उसकी हाइट भी बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ती हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि इनका जो मतलब सूचर्स वगैरह वो कब फिलअप हो गई है, कब बनती है, इसका टाइम पीरियड आपको सारा का सारा पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं जो हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ठीक है, क्योंकि हमारी लॉन्ग बोन से आ रही है एज आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम कैसे करते हैं, हम लॉन्ग बोन्स के थ्रू करते हैं। अब लॉन्ग बोन में हमारी सबसे बड़ी बोन कौन सी आ जाती है, हमारी फीमर आ जाती है, ठीक है। फीमर के साथ साथ हमारी रेडियस, अल्ना हो गई, ह्यूमरस हो गई, उसके साथ टीबिया, फिबुला, हमारी ये सारी के सारे लॉन्ग बोन में काउंट होती है। और इन सारे बोन्स के थ्रू हम बता सकते हैं किसी पर्सन का एज की आइडेंटिफिकेशन हम इजीली बता सकते हैं, क्योंकि ये कब मतलब इसका जो हेड वगैरह कब बना था, ये कंबाइन कब हुई थी, ठीक है। तो जैसे क्योंकि आपको पता है जब बेबी बोर्न होता है तो उस टाइम पे क्या होता है 300 से ज़्यादा बोन्स कही जाते हैं, पर धीरे धीरे टाइम के साथ ये हमारे 206 बोन्स हो जाती है, तो उसी के बेस पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपना एज आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो जो हमारा ये तो एक्सियल के बारे में नहीं करता अभी हमें, तो जो हम एज आइडेंटिफिकेशन करते हैं जो लॉन्ग बोन्स के थ्रू करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। तो लॉन्ग बोन के थ्रू जो कर रहे हैं, सबसे पहले हम लेते हैं अपनी, पहले आप एक बार इसके नाम देख लो, जो हमारा ये होता है ह्यूमरस, उसके बाद अल्ना, रेडियस, और जो हमारा फिर मेटाकार्पस आ जाते हैं और फ्रेंचेस आ जाते हैं, ये आर्म बोन्स हो गई, ठीक है, जिसको आपको जो हमारे फोर हैंड के बोन्स बोलते हैं, फोर हैंड के लिम्स बोलते हैं, जिसे फोर लिम्स भी बोलते हैं। नीचे हमारा हिंड का आ जाता है, ये हिप बोन आ जाती है हमारी, जिसको पेल्विक रीडल बोलते हैं। उसके बाद हमारी फीमर आती है, पटेला आता है जो यहाँ पे होता है आपका, एक टीबिया, फिबुला, उसके बाद टार्सल्स आ जाते हैं, मेटाफ्लेंजेस और फ्लेंजेस, ये सारी हमारी लेग बोन्स होती है, जिसको आप हिंड बोन भी बोल देते हो, ठीक है। ये हमारी कितनी कितनी मैंने आपको बताई थी, ये 60-60 होते हैं, 60 ये होते हैं, 60 ये होते हैं हमारे, ठीक है। और उसके बाद हमारी आती है जो शोल्डर ग्रिडल होता है, जिसे हम पिक्टोरियल ग्रिडल भी बोल देते हैं। इसमें क्लेविकल और स्कैपुला होता है कि दोनों तरफ है, यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है, दोनों तरफ होता है, तो इसको हम चार काउंट करते हैं। तो ये हमारी टोटल यहाँ एपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स हो गई। अब हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले जो हमारी हमारी रेडियस बोन होती है, ये रेडियस ही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस पीपीटी में ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली है, बट मैं अभी आपको थोड़ा नॉर्मल बेसिक बता दिया है मैंने कि हम क्या नाम है, कैसे कैसे हम चीज़ें निकाल सकते हो, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको डिटेल में बता दी। मैं आपकी इसकी पूरी की पूरी जितने भी हमारी बोन्स हैं, ये पीपीटी मेरी पूरी बन के रेडी है, बट इसके दो तीन चीज़ों के आपको नाम वगैरह आपको कम देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी बोन्स वगैरह हैं इनकी एज, ठीक है, इनका टाइमिंग कब है कि कितने टाइम में ये बन रही है, तो उनके मैं आपको ट्रिक के साथ एक वीडियो लेके आऊँगी, जिससे क्या है हमारी ये चीज़ बहुत अच्छे से कवरअप हो जाएगी और हम क्लियरली कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लास अपलोड होगी हमारी एंथ्रोपोलॉजी की, वो कम्प्लीटली इसके रिगार्डिंग होगी, आपका एंथ्रोपोलॉजी पूरा कवरअप हो जाएगा, जिसमें आपका स्कल वगैरह हम हर चीज़ डिटेल में कवरअप करेंगे। वो आपके 1.5 आवर की क्लास होगी और वो आपके लिए इनफ होगी UGC नेट के लिए, ठीक है। आपको उससे ज़्यादा मतलब उसके जितने नेम वगैरह हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको मेरी क्लास पे नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगी, ये जो कि ये वीडियो आज अपलोड हो रही है तो आपको कल वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप मेरे साथ, अगर आप मेरे चैनल पे आपने ये पहली बार वीडियो देने हैं, देन सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे मेरे को ये पता चल जाएगा कितने लोग उस वीडियो का वेट कर रहे हैं, कितने लोगों को उस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि पता है हमें सामने वाले का पता होना चाहिए, ठीक है ना, उन्हें क्या चाहिए। अब मैं अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा के आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दूँ, है ना, एफर्ट्स पूरे लगाऊँ, बट आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा ना, कि मैं अपनी तरफ से हार्ड वर्क करूँगी बट आपको तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप लाइक करके मेरे को थोड़ा सा इससे मेरे को अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको एंथ्रोपोलॉजी की नीड है या नहीं है, फोरेंसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ फोरेंसिकली कैसे हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम बोन को यूज़ करते हैं, कैसे हम निकालते हैं, कैसे हम उसका पूरा कवरअप करते हैं, कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको ये क्लास सही लगी होंगी एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि मैं कल अपलोड कर दूँगी और आपको पूरा एंथ्रोपोलॉजी इसमें कवरअप मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।